नमस्कार, मैं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह पहुंचे। आज सुबह चाय पर चर्चा की गई, पत्रकारों को आमंत्रित किया गया, जमकर विरोधियों पर निशाना साधा गया। विरोधियों पर निशाना साधते उनका कहना कि कुछ लोग काफ़ी स्वार्थी हैं, भ्रष्ट हैं और पद लोलुपता उनके अंदर है, जिसके चलते वे लगातार उन्हें निशाना बना रहे थे। उनका यह भी कहना है कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाया जाता तो अच्छा था, पार्टी का भी लगातार नुकसान कर रहे थे। ऐसे चेहरे बेनकाब हुए हैं। विरोधियों के लिए उनके द्वारा क्या क्या कहा गया और किस तरह से निशाना साधा गया, आइए सुनते हैं। जागेश्वरनाथ हम सब कृपा रखें, ये प्रार्थना भी करता हूँ। आज सुबह हमसे कर दिया है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूर्णतः संपन्न हो गए और मैं जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं जिनको उत्तरदायित्व मिला है उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि ग्रामीण विकास में न्याय व परोपकार के साथ काम करने की मैं उनसे अपेक्षा भी करता हूँ। अब नगरीय निकाय के चुनाव में नेतृत्व के निर्णय होने हैं और चुनाव होने हैं। चुनाव चाहे नगर के हों चाहे त्रिस्तरीय पंचायत के, मैं जिन परिस्थितियों में ये चुनाव हुए उसमें मैं ये मानता हूँ कि ये हमारी अभूतपूर्व सफलता है भारतीय जनता पार्टी की। एक जरूर है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन में जो परिस्थिति बनी उससे जरूर मैं दुखी हूँ और मैं कल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से मिला था और मैंने उनसे कहा है कि इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, तो ये तय होना चाहिए कि इस परिस्थिति कैसे बनी, क्योंकि इन बातों से अनेक संदेह पैदा होते हैं। लेकिन मैं दो बातें जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि दमोह जिले में परिष्करण की राजनीति का ये अंतिम दौर है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, भ्रम की राजनीति, षड्यंत्र की राजनीति और लगातार दमोह के उपचुनाव के बाद मुझ पर जिस प्रकार से जातिवाद के आरोप लगे वो सब बेनकाब हुए, क्योंकि उन्होंने मेरे खिलाफ अभियान चलाया होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वो पार्टी के खिलाफ अभियान चलाए हुए थे और जब ये आरोप लगे थे तब जिलाध्यक्ष जी पर भी लगे थे, राहुल सिंह वाले फैसले पर भी हुए थे। जिलाध्यक्ष जी हैं, राहुल सिंह जी भी पर हैं, लेकिन मेरे खिलाफ मोर्चा लेने के लिए लोधी की ही मदद लेनी पड़ी और वो तबका वो है जो बेहद स्वार्थी, भ्रष्ट और पद लोलुप लोग हैं। तो मैं तो खुश हूं और इसलिए मैं फिर पुनरावृत्ति करता हूं कि चाहे वो समाज की राजनीति हो, चाहे वो जिले की राजनीति हो, किसी भी दल की या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हो, उसमें परिष्करण का ये दौर इस जिले के स्वर्णिम भविष्य की नींव रख रहा है और इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो अगली पीढ़ी का नेतृत्व है, और उसमें मैं कुछ नाम लेता हूँ जैसे दृकपाल जैसे नौजवान, इनके भविष्य और इनको तय करना चाहिए कि वो पार्टी के साथ हैं या नहीं हैं। और इसलिए मैं आपके माध्यम से जिला पंचायत चुनाव परिणाम आने के बाद, कोई ऐसा करता नहीं है, पहले लोग दबाव बनाते हैं जो सत्ता में रहते हैं, लेकिन मैं संगठन और सिद्धांत की राजनीति का पक्का सिपाही हूँ, इसलिए मैं आज आपके माध्यम से उन तमाम जिला पंचायत सदस्यों में जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनना चाहता हो वो स्वमेव घोषणा करे, तब ये चित्र साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को प्रस्तावक की कमी जिले में नहीं है, तो अपने आप ये चीजें साफ हो जाएंगी। हाँ, जो उम्मीदवारी तय हुई थी उस उम्मीदवारी में जिनने उनका प्रस्ताव किया या उन्हें स्वयं ने किया उनका जवाब उनको पार्टी को देना होगा, लेकिन नगर निकाय के चुनाव सामने हैं और मैं नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है पटेरा छोड़कर, लेकिन पटेरा में भी हम स्पष्ट बहुमत में हैं और जहाँ पर दो जगह पर
मिले जुले जनादेश हैं, वहां पर मैं जरूर कहूंगा कि विकास के लिए पथरिया और दमोह दो जगह पर मैं अपेक्षा करूंगा प्रत्येक जनप्रतिनिधि से कि वो भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय हो उसके साथ में हमें आशीर्वाद दे, ताकि हम एक नए नगरीय विकास के मॉडल के साथ और समयबद्ध और चरणबद्ध विकास के लिए इस जिले में काम कर सके, ऐसा मैं अपना संकल्प दोहराता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि निश्चित रूप से मेरी अपील पर लोग विचार करेंगे। अधिकृत प्रत्याशी कब तक घोषित होंगे बीजेपी के नगरीय निकाय के? मुझे लगता है कि जिस दिन सभा, अब तो तारीख आ गई है, 5 तारीख है, समय के साथ ही हो जाएंगे, उसमें कोई हमारे यहाँ दुविधा नहीं है। जिला पंचायत में क्या दुविधा थी, ऐसा क्या हुआ कि भाजपा उसके? अब मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष जी से मैंने, मतलब मैं मांग कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए, बल्कि मैं कहूँगा कि उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करने वाले को भी सफाई देनी होगी कि ये परिस्थितियाँ बनी कैसे, और इसलिए मैंने जो आह्वान किया है, देखना कल तक लोग स्वेच्छा से जो भारतीय जनता पार्टी के हैं या भारतीय जनता पार्टी के होना चाहते हैं वो अपनी तरफ से आपके सामने आके कहें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, मैं उनके चेहरे बताऊँ ये तो उचित नहीं होगा, और इसलिए मैंने अपनी बात को इस दृष्टि से दोहराया। जी, जिला पंचायत पद के प्रत्याशी थे, प्रभारी मंत्री उनको मुख्यमंत्री के पास ले गए घोषणा, अच्छा कि आप उनका ये व्यक्तिगत मैं समझता हूँ, मैं पर्याप्त बोल चुका हूँ, कोई इतना बोलता नहीं है। जिला पंचायत सदस्यों को आप आमंत्रित कर रहे हैं तो 1 साल के बाद कुछ परिणाम बदलेंगे? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि हमारे उम्मीदवार को प्रस्तावक ना मिला हो, इस बात को साबित करने का तो बेहतर तरीका यही है, बाकी चीजें प्रदेश का नेतृत्व देखेगा। कॉमनवेल्थ खेलों में जिस प्रकार से चानू ने गोल्ड मेडल से शुरुआत की है और वो लगातार उसमें करती रहेंगे और वो ओलंपिक में उनके जाने का रास्ता खुलेगा। दूसरा, उसके बाद भी जो लोगों ने और पदक जीते उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ। और दूसरा, एक डिबेट चल रही है जिसका आज आखिरी दिन है, वो डिबेट है कि ऊर्जा महोत्सव, ऊर्जा की खपत पर हमारा संयम हो, उत्पादन सरकार करे या कोई निजी कंपनियां करें, लेकिन उसके उपयोग पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, मैं मानता हूं कि हम सबको प्रधानमंत्री के इस आह्वान के साथ खड़े होना चाहिए, और जो भी लॉसेस हैं, लॉसेस ट्रांसमिशन लॉसेस भी हो सकते हैं, लॉसेस हमारी खराब आदतों के कारण भी हो सकते हैं, लॉसेस चोरी के कारण भी हो सकते हैं, इन सब पर, क्योंकि आप एक इतने बड़े तंत्र हैं कि चाहे चोरी हो चाहे ट्रांसमिशन लॉसेस हो, उनको इंगित करने का काम आप कर सकते हैं, और जो समाज में जागरण करने का काम है वो भी पत्रकार मित्र कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री के इस आह्वान के साथ हमें चलना चाहिए। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि इस जिले में, क्योंकि हमको लगातार अगर लॉसेस को रोकना है तो उसके लिए 28 करोड़ रुपये भारत सरकार ने दिए, तो मैंने भी तय किया है कि एक मैराथन बैठक उसकी होगी ताकि हम एक सेक्टर को कंप्लीट करें एंड पॉइंट तक, कि वहां पर लॉसेस ना हो, तो लॉसेस कम होंगे ये तो ठीक है, लेकिन अगर केबल लास्ट पॉइंट तक जाएगी तो सप्लाई चेन भी पर्याप्त होगी, ताकि भविष्य में ये शिकायतें नहीं आएंगी कि साहब ये ट्रांसफार्मर जल गया या हम तक अप्रोच नहीं है या लाइन टूट गई, ये चीजें हो सकती है। तो मैं समझता हूँ इस पर भी आपको निगरानी रखनी चाहिए और समीक्षा करनी चाहिए, गलतियां दिखती हैं तो आपको समाज के सामने या सरकार के सामने लाना चाहिए। मैं जैसे पहले से ही मैं आपसे कहता रहा हूँ कि मैं आपके समाचारों को शिकायत के रूप में नहीं लेता, मैं हमेशा सलाह के रूप में लेता हूँ, इसलिए मैं आह्वान करता हूँ कि आपको इस मामले में अगवाई करनी चाहिए। रेल मंत्री का आभार जताया आपने ट्रेन के लिए, मुझे लगता है कि अभी जो ट्रेनों की शुरुआत नहीं हुई और स्टॉपेज भी नए सिरे से फिर से आवंटित होने की परिस्थिति है, उसमें अगर कोई ट्रेन चलती है और अब ये तय है कि पहले हरी झंडी लेकर सब पहुँचाया करते थे, तो मुझे लगता है कि हम सबको व्यवहारिक होना होगा, और इसलिए जो चीज़ें प्रारंभ हो रही हैं उनके लिए रेल मंत्रालय का धन्यवाद करना पड़ेगा। कोरोना के इस फेज में जो हल्का दिख रहा है उसके बावजूद भी सरकार चौकन्नी है, और हम ये मानते हैं कि बूस्टर डोज बहुत तेजी के साथ लगे, जो लोग 60 से ऊपर और बाकी लोग हैं उनको तेजी से लगाना चाहिए। उस दिन भी मैं 5 जगह पर गया था, आपसे भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग भी अगर जाएंगे
तो उससे गति बढ़ती है, क्योंकि ये ऐसा काम नहीं है जिसमें सांसद या विधायक या जनप्रतिनिधि जाए। आप लोग भी किसी स्थानीय स्कूलों में जाकर, मुझे बहुत अच्छा अनुभव आया, मैं ये कह सकता हूँ। आप भी जाएंगे तो बच्चे खुश होते हैं, और बच्चे जो बात करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और शायद जागरण का जो सबसे बड़ा क्लस्टर है वो यही लोग हैं, और इसलिए मैं आपसे भी विनती करता हूँ कि ऐसे जो सेंटर्स हैं जहाँ पर बच्चे लगातार लगा रहे, आप लोग भी जाएंगे तो अच्छा होगा। नगरी ने कहा चुनाव कुछ चल रहा है, ऐसे में कई जगह बहुमत नहीं है, तो ये बहुमत के जो आंकड़ा है, क्योंकि बिना आंकड़े के तो अध्यक्ष नहीं बन सकता, जैसे दो में है वो 14 है, पथरिया में भी, और ये भी बताया जा रहा कुछ पार्षद आपके दिल्ली निवास पर पथरिया के पहुंच गए। नहीं, वो तो विशुद्ध रूप से एकदम घोषित समझौता है, वहाँ किसी का बहुमत नहीं है। उनने प्रस्ताव रखा, हमारे नेताओं ने बातचीत की और वो मुझसे मिलने के लिए पहुंचे, उसमें कोई मुझे नेता कोई छुपा हुआ नहीं है। वो सार्वजनिक रूप से उनकी बैठक होकर ये समझौता हुआ कि गठबंधन किसी के साथ तो होगा, या तो कांग्रेस हमसे करे या भाजपा हमसे करे, कोई किसी से नहीं करेगा तो परिषद तो बनेगी नहीं। कल जैसे कटनी महापौर प्रीति सूरी की जब वापसी हो सकती तो अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं की वापसी नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी दमोह में जो पार्टी में आना चाहे उसका स्वागत है बिना शर्त। जैसे कटनी में महापौर, मैंने कह दिया ना अपनी बात कह दी, बाकी लोग समझ गए होंगे, आप भी समझ गए। शर्त नहीं लगा सकते तो तैयार है। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार, संजय सरवरिया समाचार।